हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वेडनेसडे 17th ऑफ मे के बारे में। देखने वाले हैं कि मार्केट कल कैसे बिहेव कर सकता है मार्केट के अंदर। गाइस, मार्केट धीरे धीरे स्लोली स्लोली हल्लू हल्लू ऊपर की तरफ जा रही है और खिसकती चली जा रही है ATH के तरफ, लेकिन हमारा ट्रेडिंग विद तरुण का जो व्यू है वो बेरिश था। साथ के साथ में मैंने ये भी बोल दिया था कि जिस भी मेरे भाई को, ट्रेडर दोस्त को हमारा एनालिसिस पसंद ना आए और वो बाय की अपॉर्चुनिटी देखने को मिले, वो बाय कर सकता है। प्लीज ओनली बाय इन इंट्राडे, डू नॉट कैरी एनी पोजीशन लॉन्ग टर्म डेफिनेटली फॉर कॉल साइड, जिसका आज मुआयना देखने को मिला। इनफैक्ट कल शाम को मेरे ओल्ड और जितने भी नए और पुराने स्टूडेंट के साथ मैंने एक जूम सेशन किया था और उनको साफ साफ बोला था कि आई थिंक इट्स अ ट्रैप। और उसके बाद में मैंने इनको तीन चार सॉलिड रीजन भी दिए और सबको एक ही बात बोली थी कि डोंट बाय एंड आई एम गोइंग टू शॉर्ट द मार्केट एज सून एज इट्स ओपनिंग गैप अप, आई विल शॉर्ट द मार्केट। संजीनी जो हमारा स्ट्रेटजी था उसके हिसाब से गैप डाउन था, मार्केट ने उन गैप डाउन वालों को प्रॉफिट दिया। संजीनी स्ट्रेटजी जो हमारा 330 फॉर्मूला है वो रोज प्रॉफिट दे रहा है। जिन लोगों ने स्ट्रेटजी को सीखा है एप्लीकेशन के ऊपर जो हमारे अवेलेबल है ट्रेडिंग की तरुण की, वहां पर अच्छा खासा पैसा उनको बनता हुआ दिखाई दे रहा है। मार्केट ने एक रिकवरी दिखाई दोबारा से और मार्केट पूरा दिन अगर आप देखेंगे तो 10 बजे से लेकर लगभग 2-2.5 बजे तक मार्केट एक रेंज बॉक्स के अंदर फंसा रहा। मार्केट ने कुछ सिनेरियोज भी क्रिएट किए थे जो काफी पॉजिटिव थे, मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको समय समय पर वो अपडेट करके दिए। जैसे कि मार्केट ने यहाँ पर ये एक कप एंड हैंडल बनाया था, सॉरी इन्वर्टेड हैंड शोल्डर बनाया था, इसका ब्रेकआउट नहीं दिया। फिर उसके बाद मैंने सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया, इसका ब्रेकआउट देने की कोशिश की, बट आई टोल्ड एवरीबॉडी नॉट टू बाय कि आई वाज डेफिनेटली अ ट्रैप। मार्केट ने नीचे की तरफ इसका सडन जो है क्लोजिंग के टाइम पर बड़ा अच्छा ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर 43,856 का लो मारा, लेकिन इसका जो टारगेट है वो है 43,727, जो मुझे कल तक आता हुआ दिखाई दे जाएगा। और ये क्यों, इसका रीजन मैं आपको बता दूंगा। निफ्टी की अगर हम बात करें, एक फॉलिंग वेज इसने बनाई थी लेकिन मार्केट ने इस वाले लेवल को तोड़ा, इस कंसोलिडेट किया उस लाइन के नीचे काफी देर तक और एंड में इसने एक ब्रेकडाउन दिया है, एक ऐसा पैटर्न बना के जो काफी लोगों ने उस समय नहीं देखा होगा। ये कौन सा पैटर्न है, यहाँ पर अगर आपको देखेंगे तो ये एक शोल्डर, ये एक हेड, एक और शोल्डर ब्रेकडाउन रिटेस्ट करता रहा और उसने उसके बाद में हेड एंड शोल्डर का पूरा टारगेट निफ्टी ने दे दिया, काफी तेजी से गिरा। आज का जो हीरो था वो था हमारा प्यारा फाइनेंशियल निफ्टी। फाइनेंशियल निफ्टी ने इस लाइन के नीचे एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनाया सेम लाइक दिस। तो एक टाइम पर तीनों के जो पॉजिटिव पैटर्न थे, और मैं समय समय पर आपको अपडेट कर रहा था कहाँ पर, आपके अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर ट्रेडिंग के तरुण, अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा इस, क्योंकि काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको समय समय पर सिर्फ और सिर्फ टेलीग्राम चैनल के ऊपर ही दिखाई देखने को मिल सकती है। यहाँ पर मैं समय समय पर जो ट्रेड बन रही थी, जिस तरीके से सपोर्ट ले रहा था, रेजिस्टेंस ले रहा था, फिबोनाची की ट्रेड बन रही थी, सारी अपडेट मैं यहाँ पर आपको देता रहता हूँ। यहाँ पर आपको ये भी बताया था एडवांस के अंदर, ये देखिए यहाँ पर देखो आप क्या बताया था, ध्यान से देखना। यहाँ पर मैंने आपको बताया था मार्केट हेड एंड शोल्डर बना रहा है, ये ऊपर जा रहा है, यहाँ पर एक बार फॉल करेगा, ये देखिए यहाँ पर फॉल करेगा, आगे जा आपके देखेंगे मार्केट ने ये फॉल दिया, बाकायदा फॉल दिया। इसके बाद मैं आपको बताया कि मार्केट यहाँ से दोबारा बाउंस करेगी, ठीक है, ये देखिए वापस बाउंस आया, मार्केट ने पूरा शोल्डर बनाया। तो ये सारी अपडेट्स आपको मिलती रहती है, हेड एंड शोल्डर पूरा बनाया, ये सारी अपडेट अगर आप जानना चाहते हैं चलती मार्केट के अंदर तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्रेडिंग में तरुण 18,000 के आसपास लोग हैं, आप डेफिनेटली इसको बाय कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये तीनों एक पॉजिटिव पैटर्न बना रहे थे एक टाइम के ऊपर अगर आप देखेंगे, लेकिन फिर भी किसी को बाइंग की सलाह नहीं दिखी थी, सारे का सारा पॉजिटिव था। लेकिन फिन निफ्टी की मैंने आपको एक्सपायरी की एक ट्रेड दी थी, 19,520 रुपये पे बाय करने को बोला था इसी जीरो हीरो के अंदर, और टाइम देखिएगा गाइस 12:27 पर दिया था ये, ठीक है, और जीरो हीरो, और इसको जीरो जीरो देने के बाद सिर्फ 4 मिनट के अंदर इसने 50 रुपये का हाई मारा था, पैसा डबल। 19,500 मैंने सुबह भी VIP मेंबर्स को बोला था कि ये पूरा दिन चलने वाली है और बहुत अच्छी चलने वाली है। इनफैक्ट आप मानेंगे नहीं, बाद में ये एक और बार 13 रुपये की गई थी, 13 से 30 गई, उसके बाद ये वापस आई है 17 रुपये से, ये 35 दोबारा गई, और एंड में दोबारा जो है ये 13 रुपीज़ से
13 रुपीज से अगर देखेंगे तो ये देखिए 13 से 65 का इसने हाई मारा और ये 65 के आसपास जाके बंद हुई है। काफी लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया, ये देखिए स्क्रीनशॉट आपको दिखाई दे रहे होंगे, काफी अच्छा पैसा बना लोगों ने, 12-12 हजार रुपए 00 हीरो से भी बनाए और काफी अच्छे पैसे बने। अगर आप भी ये फ्री अपडेट्स का लाभ उठाना चाहते हैं, प्रॉफिट उठाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम चैनल, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत अच्छा रहा। चलो ये तो था, अब जो हो गया सो हो गया, अब क्या हो सकता है, किस तरीके से आप कर सकते हैं, तो उसका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा, सबसे पहले निफ्टी के चार्ट पे आ जाते हैं। यहाँ पर जो कैंडल बनी है डेली की, गाइस ये कैंडल बनी है एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल, इसका मतलब है 1-2-3 इन 3 दिनों की तेजी को एक ही दिन की कैंडल ने खा लिया है। मैं बोल रहा हूँ बेयर्स चुपचाप नहीं बैठेंगे, ऐसा रुलाएंगे कि याद करेंगे लोग कि भाई बेयर्स आए थे, इसको यहीं से गिरदाना चाहिए था। ये जो तेजी हुई है ना, ये तेजी ऑपरेटर्स की जबरदस्ती की तेजी है। कब से 1-2-3-4-5-6-7-8-9 कैंडल्स आर फोर्स्ड कैंडल, मेरे हिसाब से लगता है टेक्निकल एनालिसिस के विरुद्ध उठाया गया है बकायदा धक्के मार के, इसको जिस तरीके से ऊपर गई है नहीं जाना चाहिए था इसको। बैंक निफ्टी की जो कैंडल बनी है गाइस एक रेड कलर की कैंडल बनी है, रिवर्सल कैंडल, और फाइनेंशियल निफ्टी भी एक बेरिश इंगल्फिंग कैंडल जो है वो बनी है। यहाँ पर अगर मैं एक बोलिंजर बैंड लगाने की कोशिश करूँ तो आपको दिखाई देगा कि ये बोलिंजर बैंड के टॉप के ऊपर बनी है और मिड बैंड तक के टारगेट से ओपन हो चुके हैं, मिड बैंड ये टॉप पे बनी है। देखिए ये इसमें अभी भी स्पेस है निफ्टी के अंदर, लेकिन हाँ ये ऊपर की तरफ है, इसको बंद करता हूँ। मैंने बोला कि मार्केट अभी और गिरनी चाहिए, वो क्यों गिरनी चाहिए उसका भी रीजन आपके साथ में शेयर करने की कोशिश करता हूँ गाइस। आपको सबको पता है कि 10 EMA की स्ट्रेटजी कैसे काम करती है और आज तक ये किस तरीके से फेल हुई है नहीं हुई है। लास्ट सिनेरियो के अंदर गाइस ने इसको 22 कैंडल्स के अंदर टच किया था, ठीक है, बट वो एक्सट्रीम एंड रेयर सिचुएशन थी और लाइफ के अंदर सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ, एक बार पहले हुआ था, एक बार अभी रिसेंटली हुआ है बैंक निफ्टी के अंदर, उसके अलावा कभी नहीं हुआ। लेकिन अगर ऐसे काउंट करने की कोशिश करोगे, दिस इज द फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, नाइन, टेंथ, इलेवेंथ, ट्वेल्थ, थर्टींथ, फोर्टींथ एंड दिस इज द 15th कैंडल। मार्केट शुड टच इट इन मैक्सिमम 17 कैंडल्स, दैट्स व्हाट आई सेड, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन व्हाई व्हेन द मार्केट हैज ओपन गैप अप, मार्केट जब सुबह गैप अप हुई थी, मैंने यहीं पर आपको 18,500 की पुट बाई की थी 25 तारीख की मंथ एंड की, और उसको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट में क्लोज हुई है वो, और भी होगी क्योंकि 10 EMA मुझे लगता है आने वाले 2 दिन के अंदर, वेडनेसडे और थर्सडे, दोनों दिनों के बीच में ये 10 EMA टच हो जाने चाहिए। अब 10 EMA का टारगेट नंबर क्या रहा है, 18,232, थोड़ा सा नीचे आएगी थोड़ा सा ऊपर आएगी, तो मोटा मोटा आप लेके चल सकते हो 18,250 और समथिंग ये डेफिनेटली आएगा, तो बहुत पास में पहुंच चुकी है, कल परसों में ये टच भी हो जाएगी, दिस वाज द रीजन। ये लर्निंग है गाइस जो आपको मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट दी है, जो आप अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। काफी सारे स्टूडेंट्स के भी मैसेज आते हैं कि वो ये चीज फॉलो कर रहे हैं और उन्होंने देखा और वो मुझे अपडेट करते हैं ना, मुझे खुशी होती है सामने से देखने में। इसको अगर मैं बंद कर दूं और 1 आवर के चार्ट टाइम फ्रेम पे आ जाओ, तो मैंने आपको यहाँ पर एक पैटर्न ऑलरेडी टेलीग्राम चैनल पर अपडेट करके दिखाया था गाइस, दिस इज अ राइजिंग ट्रायंगल, और मार्केट मैंने आपको बोला था कि ये पैटर्न का ब्रेकडाउन हुआ है, मार्केट ऊपर जा रही है इस पर्टिकुलर लेवल से, इसके नीचे यहाँ से मार्केट सपोर्ट लेके ऊपर जा रही है, मेजर फिबोनाची का सपोर्ट लेवल था ये, लेकिन ये रीटेस्ट करने जा रही है और रीटेस्ट के बाद में ही नीचे गिरेगी। और एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट रीटेस्ट के बाद में नीचे की तरफ गिरना शुरू हो गई है, स्पेशली ये वाला लेवल जब मार्केट टूटेगी तोड़ेगी जो कि है 18,200, इसके नीचे मार्केट सीधा जाके रुकने वाली है 18,048 के आसपास, मतलब ये फॉल आपको डेफिनेटली आता हुआ दिखाई देगा। ये ट्रेड जो है बिल्कुल अच्छी खासी चल रही है और यहाँ पर बहुत अच्छा पैसा देखने को लोगों को मिल रहा था। यहाँ पर जब ये रेड कैंडल बनी थी यहीं पर शॉर्ट की पोजीशन क्रिएट हो चुकी थी, ओके, यहीं पर ही शॉर्ट की पोजीशन अगर आपने यहाँ पर भी बनाई थी, इसके हाई का ही स्टॉप लॉस है और नीचे के जो टारगेट्स हैं वो यहाँ तक के हैं, समवेयर अराउंड 1:5 का ट्रेड बनता है, 1:5 का ट्रेड बनता है, और ये टारगेट जो है वो बहुत जल्दी आते हुए दिखाई देंगे। मुझे लगता है कि 25th में, मतलब इस मंथ एंड से पहले आ जाने चाहिए और गॉड नोस शायद एक्सपायरी तक भी आ जाए बड़ी कैंडल अगर बनती है तो, बट हाँ 25th मई से पहले पहले मुझे लगता है कि ये टारगेट जो है नीचे की तरफ आ जाने चाहिए और ये टारगेट पूरे अचीव हो जाने चाहिए। ये गाइस ये हो गया, बैंक निफ्टी में देख लेते हैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे कुछ है क्या, इसने मिनट्स की पर इसने ब्रेक डाउन तो दिया है, इसका टारगेट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये जो है टारगेट अभी पूरा आया नहीं है,
43727, मैंने आपको यहाँ पर ये टारगेट ऑलरेडी दिया, 43727 का जो टारगेट है ये पेंडिंग है, वो उस पब्लिक कर लिया परसों के अंदर, आपको ये भी आता दिखा देगा। तो मैं पुट साइड पे ही हूँ, आई एम नॉट एट कॉल साइड गाइस, मैं कॉल साइड पे नहीं हूँ, और ये बहुत छोटा सा फॉल है। बहुत सारे बोल रहे थे कि नहीं मार्केट तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन ये गिरना शुरू हुआ है तो अब शायद थोड़ा सा लोगों को समझ में आएगा कि मैं क्यों था बेयर साइड। और मुझे खुशी इस बात की है कि आज मेरे एक स्टूडेंट ने मुझे बताया, मैं हैरान था, वो पुट साइड की ट्रेड काफ़ी टाइम से बना के बैठा था, ही वॉज इन लॉस ऑफ 44,000 रुपीज़ और निफ्टी के बैंक निफ्टी के अंदर, और इतने छोटे से फॉल के अंदर ही हैज़ कवर्ड 44,000 रुपीज़ का लॉस, विच मीन्स पैसा पुट में ही बनेगा। अगर आपने नोटिस नहीं किया है तो करना, आज के जो पुट के प्रीमियम है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्पीड से बढ़े हैं, बहुत तेजी से बढ़े हैं। पुट साइड के प्रीमियम बैंक निफ्टी और निफ्टी के, निफ्टी के तो जबरदस्त भाग रहे थे, जबरदस्त, ठीक है। तो बहुत पैसा जो बनेगा ना वो पुट के अंदर ही बनेगा, दैट्स व्हाट द सिचुएशन इज। और आज भी अगर देखेंगे तो ये वॉल्यूम प्रोफाइल मैंने लगाई थी और मार्केट इस वॉल्यूम प्रोफाइल की रेड लाइन से ही चिपका हुआ था पूरा पूरा दिन, बाद में इसने एम बना के नीचे गिरा तो उसने थोड़ा सा काम किया। एनीवेज, इन लेवल्स को करते हैं डिलीट और आपके लिए नए लेवल्स बनाए जाएंगे जो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ, तो इसको करते हैं डिलीट। फाइनेंशियल निफ्टी के भी लेवल करते हैं डिलीट और आपको क्विकली लेवल्स बना के देता हूँ फास्ट फॉरवर्ड करके कल के लिए। ओके, सो लेवल्स बन के आ चुके हैं आपके स्क्रीन के ऊपर। कल गाइस मैंने आपको एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि मार्केट के अंदर निफ्टी आपको ज़्यादा ट्रेंडी दिखाई देगी इन कंपैरिजन ऑफ बैंक निफ्टी, लेकिन मार्केट ने वैसा ही आज किया। कल के लिए मार्केट में बैंक निफ्टी विल बी मोर ट्रेंडियर देन देन निफ्टी, बैंक निफ्टी एंड फाइनेंशियल निफ्टी बोथ विल बी मोर ट्रेंडी। 44.94 तो 95 का जो लेवल है इसके ऊपर 5 मिनट की कैंडल क्लोज होती है, दोबारा हम बाइंग आते हुए दिखाई देंगे। 44,283 का लेवल आपको ऊपर की तरफ दिखाई देगा, 44,400 का लेवल आपको दिखाई देगा फाइनल नंबर। नीचे की तरफ मैं इंटरेस्टेड हूँ कहाँ पर, मार्केट अगर 43,767 का लेवल है, 43,000 मैंने आपको पहले भी दिया था, 760 का जो लेवल है, मार्केट इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करती है तो एक बड़ी बेरिश पोजीशन को क्रिएट किया जा सकता है लंबी के लिए। आई विल प्रेफर अगर बनाना चाहते हो तो 25 में या 1 जून की एक्सपायरी के अंदर बनाइएगा। मार्केट के जो आपके नीचे की तरफ के लेवल जो ओपन है वो है 43,250 मिनिमम, 43,250 मिनिमम, ठीक है। ये नीचे की तरफ गिरेगा 500-600 पॉइंट तो ये डेफिनेटली है, एनीवेज वो लॉन्ग पोजिशनल है। इंट्राडे के अंदर आप 43,763 के नीचे 46,224 आते हुए दिखाई देंगे, इसके नीचे रैली आ जाएगी, बड़ी तेज से आएगी। आप भी देखोगे, मुझे भी बताओगे कि सर जी आ गई रैली जिसके बारे में आप बात कर रहे थे, 43,436 की रैली आपको देखने को मिलेगी। कल का ये सिनेरियो बन सकता है, ये एम पैटर्न के हिसाब से भी बन रहा है, तो कल देखेंगे क्या होता है। बैंक निफ्टी में ट्रेड करने में मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा कल के दिन, मार्केट मोर लाइक कल साइडवेज रहने की भी उम्मीद रह सकती है। अगर आप देखें फॉर निफ्टी 18,389 के ऊपर 5 मिनट की कोई कैंडल क्लोज होती है तो बाय कर सकते हैं 18,497 के लिए, उसके ऊपर 18,560 आपका लेवल रहेगा। एक ये सॉफ्ट टारगेट रहेगा आपका जो एक रेजिस्टेंस दे सकता है, लेकिन इसको आराम से तोड़ देगा अगर ये ऊपर आता है वापस तो। 18,219 के नीचे सेल का पोजीशन बनाएंगे, मार्केट थोड़ी सी चौपी रहेगी इसके नीचे 18,158 तक, लेकिन अगर निफ्टी 18,158 को कल तोड़ने में सक्षम रहती है तो उसके नीचे आपको 18,053 का जो लेवल है, हमारा जो टारगेट है, वहां की रैली बैंक निफ्टी की भी और निफ्टी की दोनों की रैली आएगी, क्योंकि निफ्टी को बैंक निफ्टी भगा लेगा। यहाँ मार्केट चौपी रहेगी फॉर श्योर, पैसा खाने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल लेवल्स हैं सपोर्ट के। यहाँ पर ये छोटा लेवल है, ये बड़ा लेवल है, उसके नीचे भी लेवल है, लेकिन इसके नीचे मार्केट चौपी नहीं रहेगी, मार्केट इसके अंदर काफी अच्छी रैली आपको दिखा सकती है। ये लेवल्स गाइस मैं अपने टेलीग्राम चैनल ट्रेडिंग विद तरुण के अंदर शेयर करता हूँ, जो आप ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और वहां से जाकर आप इन लेवल्स को एडवांस में ले सकते हैं और उनके ऊपर काम कर सकते हैं। ये था एनालिसिस जो रहेगा 17th of May का, आधा महीना ऑलरेडी निकल चुका है गाइस, और आम बेरिश है तो टुवर्ड्स दी एंड। अगर मार्केट पहले 400-500 पॉइंट गिर जाती तो ये हालात नहीं आते, मार्केट अब यहाँ से 1,000-1,500 पॉइंट डेफिनेटली मेरे हिसाब से गिरने चाहिए। काफी लोग ये जरूर बोलेंगे कि नहीं सर ये तो ट्रैप है पुट साइड का, मार्केट को जाना ऊपर ही है, ये पुट वाले को बाइंग कराने के लिए बैठाया गया। चलो वो भी देख लेंगे कि पुट वाले को बाइंग कराने के लिए बैठाया गया, हम जाएंगे तो हम एक स्मॉल लॉस में निकलेंगे जो बहुत कम है, आज के हाई का ही स्टॉप लॉस है, और अगर प्रॉफिट होगा तो भाई ये याद रखना एक बात को, दूसरा भी याद रखना, कमेंट में भी लिख देना पैसा पुट में ही बनेगा, ठीक है। तब तक के लिए हंसते रहो, हंसाते रहो, मार्केट से पैसा कमाते रहो, हंसी गाइस इन द मार्केट गाइस, हैव अ वंडरफुल इवनिंग, बाय।
Thank you.